दोस्तों आपका फिर से स्वागत है गैजेट ब्रिज हिंदी में। मेरा नाम है सुलभ। Hyundai ने लॉन्च कर दी है अपनी नई इलेक्ट्रिक कोना। मैं इसका कंप्लीट ओवरव्यू आपको देने वाला हूं, तो आइए चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, Hyundai ने लॉन्च कर दी है अपनी कोना इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया के अंदर। Hyundai इसको एसयूवी कह रही है, पर मेरे ख्याल में जो मेरे को सामने से दिख रही है ये एक एसयूवी और हैचबैक के मिडिल का वर्जन है, कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवी आप इसको कह सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस गाड़ी का पूरा ओवरव्यू दूंगा। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या है खूबियां, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस गाड़ी को खरीदना चाहिए कि नहीं। तो हमारे साथ बने रहिए, और यही टाइम है वो सब्सक्राइब के बटन को दबाने का, और उसके बाद आप दबाइए बेल आइकन। इससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो Hyundai ने जो कोना इलेक्ट्रिक निकाली है इंडिया के अंदर, उसकी रेंज है कुछ 452 किलोमीटर्स। मतलब अगर फुल चार्ज में आप इस गाड़ी को लाएंगे तो आपको इसके अंदर मिल सकती है 452 किलोमीटर्स की रेंज। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो ये है ही है, क्योंकि क्लीन मोबिलिटी है। इसके अंदर से कोई धुआं नहीं निकलता, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है क्योंकि इसके अंदर बैटरीज दी गई हैं। इससे पहले मैं इसके एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स की बात करूँ तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसका जो चार्जिंग टाइम है वो है 57 मिनट्स। बेसिकली आप 0 to 80% इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं सिर्फ 57 मिनट्स में, अगर आपके पास इसका फास्ट चार्जर है तो। अदरवाइज अगर नॉर्मल चार्जर है आपके पास इसका 7.2 किलोवाट का, तो इसको फुल चार्ज करने में आपको लगभग 6 घंटे लगेंगे। जो इसके अंदर मोटर लगी हुई है वो कुछ 136 PS की पावर देती है, जो 0 to 100 9.7 सेकंड में रीच करती है। तो ये तो हो गया इसके कुछ हाईलाइट्स। अब इसके एक्सटर्नल्स और इंटरनल्स की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर्स की बात की जाए तो इसके अंदर बाई फंक्शन LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, रियर स्किड प्लेट मिलती है, 17 इंच के अलॉयज भी इसके अंदर मिलते हैं, रियर स्पॉइलर भी है, और साथ ही में स्पोर्टी रूफ रेल्स भी दी गई हैं। अब इसके अंदर घुस के देखें तो इसके अंदर प्रीमियम लेदर सीट्स दी गई हैं, लेदर स्टीयरिंग व्हील पे भी देखने को मिलता है, और सामने देखने को मिलता है आपको एक 7 इंच का टच स्क्रीन। ये सेंट्रल कंसोल में एकदम मिडिल में दिया गया है। इसके अंदर एक और खास बात जो Hyundai ने डाली है वो है सिर्फ ड्राइवर साइड AC। मतलब अगर आप अकेले इस गाड़ी को चला रहे हैं तो सिर्फ आप अपनी साइड का ही AC इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका बैटरी जूस बचेगा। साथ ही में आपको मिलता है Apple CarPlay, Android Auto और वॉइस रिकग्निशन फीचर्स भी। सामने स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही माउंटेड ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल्स भी हैं। देखने में काफी डिसेंट है, बुरी नहीं है। अगर आप इसको बाहर से फिर से ध्यान से देखें तो इसके अंदर कोई ग्रिल नहीं है सामने, क्योंकि इसके अंदर रेडिएटर है नहीं, तो एकदम मैश जैसा फ्रंट दिया गया है, बट प्लेन है। इसके अंदर कोई होल्स या एयर जाने की जगह नहीं है। सामने से ही इस गाड़ी को आप चार्ज कर सकते हैं। जो ड्राइवर की सीट है वो 10 तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें लंबार्ड सपोर्ट भी है। साथ ही में इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक पार्किंग एंड ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन भी दिया गया है। थोड़ी सेफ्टी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, ABS एंड EBD, ESC और VSM भी। रियर कैमरा विद गाइडलाइन भी इसके अंदर उपलब्ध है। उसके ऊपर Hyundai ने इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, तो इसके अंदर इको प्लस, कंफर्ट एंड स्पोर्ट मोड्स अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात जो Hyundai इस गाड़ी में प्रोवाइड कर रही है वो प्रोवाइड कर रही है 8 साल की या 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी, जो सिर्फ आपको बैटरी पे मिलती है, पूरी गाड़ी पे नहीं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ बैटरी पे, पूरी गाड़ी पे नहीं। तो ये थे कुछ इसके ब्राइट पॉइंट्स, कुछ खूबियाँ। अब मैं इसके कुछ लो पॉइंट्स की बात कर देता हूँ। इसका प्राइस सबसे पहली चीज है 25 लाख रुपए, कुछ 25.3 लाख रुपीस की एक गाड़ी है। हमने पास में भी देखा है, जो 22 लाख की गाड़ी आई थी, हाइब्रिड गाड़ी आई थी टोयोटा की, प्रियस था उसका नाम, वो कुछ कमाल नहीं कर पाई इंडिया के अंदर। तो अगर ये इलेक्ट्रिक कार इतनी महंगी है तो मैं क्यों ना एक वेन्यू जैसी, Hyundai की वेन्यू जो अंडर 10 लाख में मेरे को मिल जाएगी, उसको खरीद लूँ, और साथ में जो 15 लाख है मैं उसको अपने बैंक में डाल दूं, मैं उसकी कोई FDI बना दूं, या मैं उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल दूं। तो उससे जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं Hyundai का वेन्यू का मेरा मंथली चार्ज है पेट्रोल का या डीजल का, मैं उसको उससे पे ऑफ कर पाऊंगा। ऑल्सो एक और इसका ड्रॉबैक ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो आपको हर जगह पे इसके चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे। आप इसको एक सिटी से दूसरी सिटी भी नहीं लेकर जा सकते, जबकि Hyundai कह रही है ये 450 किलोमीटर तक चल सकती है, पर आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे नहीं लेकर जा सकते। क्योंकि आपको इसको रेगुलरली चार्ज करना पड़ेगा और चार्जिंग स्टेशंस अभी इंडिया में बिल्कुल भी नहीं हैं। Hyundai कुछ काम करी है IOCL के साथ, वो लगाने वाले हैं थोड़े से चार्जिंग स्टेशन, बट वो सिर्फ मेट्रोज में आपको देखने को मिलेंगे, बाहर नहीं। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ी इसकी खामियां हैं। ओवरऑल प्राइस इसको मार देता है मेरे हिसाब से, इतना ज़्यादा प्राइस एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत एक्सपेंसिव है। बट यस, इको फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है ये, तो अगर एनवायरनमेंट को आप सेव करना चाहते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ही अपना झुकाव रखना चाहिए। अभी क्या राइट टाइम है इसको बाय करने का? मेरे हिसाब से नहीं, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आपको अगले साल तक थोड़ा सा वेट करना और चाहिए, 6-7 महीने तक और इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंडिया के अंदर आने वाली हैं, तो उनसे कंपेयर करके आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। मेरा नाम है सुलभ, आप देख रहे हैं गैजेट ब्रिज, मैं मिलूंगा आपसे अगली बारी।